अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की एक बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी, जिसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक होती है, बिल्कुल होटल स्टाइल होगी ये ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 kg चिकन, उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 1 चम्मच नमक, आधी प्याज जो है स्लाइस की हुई, उसके बाद 1 तेज़पत्ता है और 1 ग्लास भर के पानी। ये चीज़ें हमें चाहिए चिकन बॉयल करने के लिए। अब हम देखते हैं मसाले क्या क्या चाहिए हमें। तो यहाँ पर 2 बड़ी प्याज मैंने इसको स्लाइस कट कर लिया है, ये बिल्कुल थिन स्लाइसेस मैंने बनाए हैं। इसको मैं गोल्डन फ्राई करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2-3 से 4 बड़े चमचे तेल ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो मसाले हैं जो ग्राइंड करने हैं, उसमें 1 बड़ा टमाटर है मैंने, जिसको मैंने रफ़ चॉप किया है, और अगर आप 2 छोटे टमाटर ले लें तो चलेगा। 2 चमचा भर का 4 मगज़ है, ये आपको किराना की दुकान पर मिल जाएगा। 2 चमचा भर का तिली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है 1/2 टुकड़ा। ये खोपरा हमें थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है स्टोव पर, उसके बाद उसको यूज़ करना है। 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन के जवे और 1 हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ खड़े गर्म मसालों का इस्तेमाल करूँगी, जिसको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। तो खड़े गरम मसालों में मैंने 1 चमचा भर का ज़ीरा ले लिया है। उसके बाद 4 से 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 इलायची और 1 स्टार का टुकड़ा, उसमें से 1 टुकड़ा, और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा आप ले लीजिए। उसके बाद पानी हमें इसमें लगेगा जितना हमें मसाला ग्राइंड करने में लगेगा, और अगर हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी तो हमें थोड़ा सा उसे प्रॉपर करने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। तो चिकन मैंने डाल दिया है कुकर में। उसके बाद हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने फर्स्ट इसमें देखे, प्याज, नमक और तेज़पत्ता, तीनों चीज़ डालकर हम इसके ऊपर डाल देंगे पानी। पहले नमक डालिए, उसके ऊपर पानी डालिए, तो ये पूरा प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। अगर आप पहले पानी डाल के ऊपर नमक डाल दें तो अगर चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी पानी से तो थोड़ा नमक एक ही जगह पर चिपक जाएगा, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये आप मेरी एक टिप फॉलो कीजिए। अब इस कुकर के ढक्कन को हम बंद करके इसको 1 विसल आने तक कुक कर लेंगे। 1 विसल में चिकन प्रॉपरली कुक हो जाएगा, बिकॉज़ हम इसको बाद में थोड़ा सा ग्रेवी में भी कुक करेंगे। अब जब तक चिकन हमारा कुक हो रहा है, हम करेंगे यहाँ पर हमारे मसालों को ग्राइंड। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हम एक एक करके सभी चीज़ें ऐड कर देंगे। खड़े गर्म मसाले जो मैंने लिए हैं, मैं उसका भी फ्रेश पाउडर बनाऊँगी। पाउडर्ड गरम मसाले से ज़्यादा बेटर इस ग्रेवी में इसका फ्लेवर आता है, अगर हम फ्रेश मसालों को ग्राइंड करके यूज़ करें तो। इसीलिए मैं अदरक लहसुन का भी पेस्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इनको फ्रेश ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसको मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद इसमें हमें 1/4 कप के करीब पानी लगेगा इसको ग्राइंड करने के लिए, अदरवाइज इसमें टमाटर का पानी और बाकी जो 4 मगज़ तिल्ली का थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर होता है वो इसको ग्राइंड करने में काफ़ी हेल्प कर देता है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो हमने प्याज बड़ी उसको मैंने स्लाइस करके रखी थी, उसका मैं उस गोल्डन फ्राई कर लूँगी जब तक हमारा चिकन पक रहा है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसको अब आप या तो हाथ से क्रश कर लें या तो आप इसको मिक्सी में एक दरदरा सा कूट लें। तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मैं इसको मिक्सी में कूट लूँ। तो ये मैं हमने बना लिया है पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने बना लिया है ये, इसको दरदरा सा कूट लिया है मैंने बिरिस्ता को, और ये हो गया है चिकन बॉईल। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी ग्रेवी बनाने के प्रोसीजर में। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने तेल प्याज को गोल्डन फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, मैं सेम ऑयल में अपने मसालों को ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कर लेना है तेल को गर्म। जब एक बार तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। इसमें मैं किसी भी किस्म के और पाउडर किसी भी मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें फ्रेश ग्राइंड की है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर पूरा बिल्कुल ट्रेडिशनल आता है। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था उसको ऐड कर दिया है। अब हम मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें डाल देंगे। और ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर जो हमारी प्याज का पेस्ट था, इसको आपको बिल्कुल पानी डाल के इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से हम हाथ से अगर इसको क्रश करें तो किस तरीके से होगा, बस उतना आपको करना है। जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में करती हूँ। अब हम इसको ढक देंगे और इसको ढक करके हम पका लेंगे 15 से 20 मिनट तक धीमी आँच पर, और इसको हमें बीच में 4 से 5 मरतबा चलाना होगा।
ये देखिए मैं इस बता रही हूँ, ये एक इस तरीके से आपको जस्ट इस नीचे से आपको मसालों को निकाल लेना ताकि मसाले नीचे लगकर जले ना। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है इसको, और इसको दोबारा से ढक देंगे। इस तरीके से आपको 4 से 5 मरतबा इसको चलाना है। जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तो आपके मसालों में से काफ़ी तेल रिलीज़ हो जाएगा, ये देखिए, और ये बिल्कुल कीमे की शेप का हो जाएगा। आपको इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर और पका लेना है लास्ट में 2 से 3 मिनट के लिए। हम लास्ट में इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जिससे और थोड़ा सा कीमे जैसा दिखने लगेगा। एक मरतबा ये इस शेप में आ जाए, इस टेक्सचर में आ जाए, तो हम अपने गैस की फ्लेम को दोबारा से लो कर देंगे। ये देखिए ये कितना प्रॉपरली बिल्कुल मसाला भून चुका है। मेरे कहने पर आप ये रेसिपी को प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आपको, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई बहुत ही ट्रेडिशनल किचन से बनी हुई कोई रेसिपी खा रहे हैं। तो ये लीजिए, अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है चिकन, और चिकन को मैं पूरे स्टॉक के साथ ऐड कर दूँगी, और इसको कर देंगे मिक्स और वेट करेंगे एक बॉईल आने का। इस पॉइंट पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी, अगर आप बिल्कुल ब्राइट रेड कलर में ही पसंद करते हैं, तो आप इस पॉइंट पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे इसका ऐसा ही कलर ठीक लगता है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी नमक। आप ध्यान रहे कि हम नमक हमने चिकन बॉईल करने के टाइम पर भी ऐड किया है, तो उसके हिसाब से आप ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें बॉईल एक आने लगा है, तो अब मैं इसमें यहाँ पर कर रही हूँ कोथमीर को चॉप, और धनिया पत्ता डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो अब इसमें बॉईल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। ये देखिए अब इसमें बॉईल आ गया, तो ये यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। इसको कर देंगे मिक्स, और अब हम कर लेंगे इसको गैस की फ्लेम को बंद, और इसको सर्व कर लेंगे। मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में लिख कर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके सर्कल में हर कोई ये बेस्ट डिश इस ट्राई कर सके, उसको कुक कर सके इजीली, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स सबको खिला सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।